Hi guys, welcome back to our YouTube channel Wheels Wanderlust. I am Gaurav and you are watching Weekly Wheels, a series started by us during this lockdown. इस सीरीज में बेसिकली हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ऑटो इंडस्ट्रीज। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज उसके बाद ही आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए सीधा आप अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है कि क्या 2020 हुंडई क्रेटा बेटर है किया सेल्टोस से या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा दोनों कार की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और उसके बाद मैं आपको प्राइस कंपेरिजन दिखाऊंगा दोनों कार का, और उसके बाद मैं करूंगा इस वीडियो का कंक्लूजन, जिसमें मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कौन सी कार किससे बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ 2020 हुंडई क्रेटा और सेकेंड जनरेशन हुंडई क्रेटा की स्ट्रेंथ। इसमें अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इस कार में इतने सारे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ तो ऑलमोस्ट अब इस रेंज की कार सभी में आ रहा है, बस वॉइस कंट्रोल जो देना वो हुंडई क्रेटा ने दिया गया। और अगर मैं सेकंड स्मार्ट फीचर की बात करूँ वो है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग विथ ऑटो होल्ड। इलेक्ट्रिक ब्रेक आ तो किया सेल्टोस में भी रही है, बट ऑटो होल्ड का मतलब यहाँ है ऑटो होल्ड, जब अगर कहीं आप हिली एरिया पे जा रहे हैं तो इंक्लाइन वगैरह पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी हैंड ब्रेक लग जाएगी, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगला स्मार्ट फीचर मैं कह सकता हूँ वन टच क्रूज कंट्रोल, और उसके बाद जैसे कि पेडल शिफ्टर्स हो गए, रिमोट इंजन स्टार्ट, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अगर आता है किया सेल्टोस में, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, बट इसमें मैनुअल में भी दिया गया है। एक और जो इसकी मेजर स्ट्रेंथ है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। इस पर हुंडई क्रेटा ने इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी है। नो डाउट आप इस कार को अगर बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब आते हैं इसके वीकनेस पे, इसकी वीकनेस क्या है। इसकी वीकनेस मैं कहूँगा मेरे को जो लगी डिज़ाइन लगी, ये काइंड ऑफ एसयूवी फील नहीं देती इसका। अगर मैं इसके डिज़ाइन को किया सेल्टोस से कंपेयर करूँ तो इसके सेल्टोस इससे लंबी भी है, ऊँची भी है और चौड़ी भी है, तो इस चक्कर में मैं इसे वीकनेस में डाल रहा हूँ। और इसका जो सेकेंड फील है वो इसमें स्पोर्टीनेस वाली फील नहीं आती इसके डिज़ाइन में, मतलब ये प्रॉपर एसयूवी लगती नहीं। अगर आप इस सामने से देखोगे तो ऐसा कोई फील नहीं देगा कि एसयूवी है। तो ये थी अभी 2020 हुंडई क्रेटा और सेकंड जनरेशन हुंडई क्रेटा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो अब आते हैं किया सेल्टोस की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे पहले पॉइंट आता है स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन लैंग्वेज। जो उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, वो काफ़ी स्पोर्टी फील देता है, काफ़ी अच्छा लगता है, एसयूवी लगती है देखने में। तो उसकी सेकेंड स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं फीचर लोडेड वेरिएंट्स। उसके हर वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, मतलब उस प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो सारे फीचर्स सारे वेरिएंट इतने अच्छे हैं। तो अब अगले स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो है इसका कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब जिस प्राइस रेंज पे ये सेट करी गई है उसके मुकाबले अगर मैं इसके कॉम्पिटिशन में देखता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अब अगले स्ट्रेंथ की तरफ चलते हैं, जो कि है इसकी राइड क्वालिटी, वेदर इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट और इन ड्राइविंग। मतलब अगर मैं ड्राइविंग के लिए स्पेशली कहूँगा तो किया सेल्टोस से बेटर कोई कार नहीं है इस रेंज में। नेक्स्ट और लास्ट रेंज जो मेरे को इसकी लगी वो है इसके माइलेज, मतलब माइलेज के हिसाब में क्रेटा थोड़ी सी ऊपर है बट इसकी भी कोई कम नहीं है एवरेज। तो ये थी किया सेल्टोस की स्ट्रेंथ। अब आते हैं किया सेल्टोस के वीकनेस पे। वीकनेस पे जो मेरे को सबसे मेजर पॉइंट लगा वो इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज। मेरे को जो लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी किया सेल्टोस को मार्केट एक्सप्लोर करनी है, बेसिकली इंडियन मार्केट और एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अभी नई नई आई है तो इसके लिए मैं इसको एक वीकनेस में लूंगा। और जो सेकेंड वीकनेस मेरे को लगे छोटा पॉइंट है बट मेरे को जो लगा वो वॉल्यूम नो नहीं है यार उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, मतलब इतना तो इजी कन्वीनियंट चीज होती है, वॉल्यूम को ऐसे करो और ऐसे करो बढ़ा दो, उसे क्यों कॉम्प्लेक्स करना टच करके। तो ये थे दोनों कार के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब इनके प्राइस कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं इनके प्राइस कंपैरिजन। वैसे इनके प्राइस कंपैरिजन दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, 10-20 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे है, तो इस चीज़ में तो इनकी कोई मतलब किया सेल्टोस और किया और हुंडई की कंपनी है बेसिकली, तो उसमें क्या प्राइस कंपैरिजन होगा। तो चलिए आप चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। इस वीडियो को कंक्लूड अगर मैं अपने ओपिनियन के साथ करूँ तो वो मैं कहूँगा कि किया सेल्टोस बेटर है 2020 हुंडई क्रेटा से। अगर मैं ड्राइविंग और फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स तो देख लो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ड्राइविंग पे अगर मैं जाता हूँ तो किया सेल्टोस फार बेटर है हुंडई क्रेटा। और हुंडई क्रेटा मेरे को मतलब एसयूवी वाला फील नहीं देती, तो उस चक्कर में मैं किया सेल्टोस को
अब बेहतर मानूंगा Hyundai Creta से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप हमें दिल से थैंक यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ऐसे शेयर करें जैसे कोई वो अंकल सुबह व्हाट्सएप का गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहा हूँ। सबको भेज दो भाई, वो सबको भेज दो, तभी हम आगे तक कुछ और नया क्रिएटिव लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।